तो चलिए, बहुत बड़े साइज का बस एक कोन बनाइए, उसमें सारा प्लास्टर डाल लीजिए और फिर दो छोटे छोटे कोन बना लीजिए। हेलो आरती जी, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको कोन फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप कोन फिल कर सकते हो, तो वो आप काम कर सकते हो। मैं आपको अब कोन बनाना बता रही हूँ, मैं कैमरा टर्न कर रही हूँ, और किसी का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछते रहिएगा साइड बाय साइड। हेलो नीतू जी, थैंक यू सो मच डियर शेयर करने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से हमने पॉली लिया, अब इसको मैंने टू पार्ट्स में ले लिया, ठीक है? ओके, दिस मच बिग साइज वी कैन यूज, इससे बड़ा नहीं लेने की जरूरत हमें। ओके, कोन कैसे बनाते हैं? बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि हमें कोन नहीं बनाना आता, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अब आप ध्यान से सीख लीजिए कोन कैसे बनाते हैं। जस्ट ये एक पीस लिया पेपर, और इसको इस तरह से एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे होल्ड करके इसको इस तरह से टर्न कर दीजिए, ठीक है? बन गया कोन हमारा। अब इस कोन को सिक्योर कैसे करेंगे हम? टेप से। ओके, इस तरह से ले लिया हमने। मैम आप, मैं अच्छी हूं डियर, आप बताइए। मैंने तो बोर्ड पे ही बनाया है, आप लोग जिस पे बनाना चाहें आप उस पे बना सकते हैं। देखिए, बस यही होता है कोन बनाने का, और कुछ नहीं करना है, जस्ट इस वाले एज को सिक्योर करना है, दैट्स इट। अब बताइए, मुझे किसी का कोई कंफ्यूजन है कोन बनाने में? क्योंकि इसके बाद अगर आप कहेंगे कि हमें कोन नहीं आता बनाना, तो फिर दोबारा बताना मुश्किल हो जाएगा। हेलो नंदा जी, एक बार रिप्लाई कीजिए जल्दी से कि अभी कोन बनाने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज फिर हम आगे की तरफ बढ़े, जल्दी से प्लास्टर बनाएं और फिर कोनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगी आपको अंदर की कोनिंग सिखा दूं, और कल फिर हम बाहर की कोनिंग करेंगे। तो आप लोग सब साथ साथ में बनाइए। आप लोगों ने केरला म्यूरल बहुत अच्छा बनाया सब ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने सब ने उसको ट्राई किया। क्लियर है? गुड। देखिए, इस तरह से मैंने दो कोन बना लिए, आप अपनी चॉइस से जितने चाहें उतने कोन बना सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा कोन बना लेते हैं। बड़ा कोन आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हो, क्योंकि बार बार छोटे कोन में मटेरियल फिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बड़ा कोन बनाएंगे, उसमें एक ही बार में पूरा मटेरियल फिल कर लेंगे, ठीक है? वो बहुत ईजी रहता है। थैंक यू मैम, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा इट मीन्स मेरी मेहनत सफल हुई है ना? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सबका कि आप लोगों को मार्बल पाउडर नहीं मिला। थैंक यू सो मच अंजलि जी मुझे स्टार देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू। मटेरियल मार्बल पाउडर को लेके, देखिए मार्बल पाउडर या फिर सिरेमिक पाउडर, ये दो पाउडर ही आप यूज कीजिए अगर आप अपने आर्ट की लाइफ लॉन्ग चाहते हैं। बाकी किसी मटेरियल का मुझे नहीं है नॉलेज। थैंक यू सो मच रिया जी स्टार देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू। नमस्ते श्री पार्वती जी,
आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी। ठीक है, तो मार्बल पाउडर या सिरेमिक पाउडर ये ही लीजिएगा अगर आप अपनी आर्ट की लाइफ को लॉन्ग रखना चाहते हैं। पुट्टी भी आप ले सकते हो बट पुट्टी ड्राई हो जाएगा, तो फिर आप लिक्विड वाला पुट्टी जो मार्केट में मिलता है वो लीजिए। ठीक है। हेलो प्रीति जी, सिरेमिक पाउडर क्या होता है? सिरेमिक पाउडर बेसिकली कुछ कुछ पाउडर्स का मिक्सचर होता है। हेलो अलका जी, गुड आफ्टरनून। ऐश्वर्या जी, देखिए एक कोन मैंने इतना बड़ा बनाया है जिसमें हम अपना मेन मटेरियल भर के रखेंगे। हेलो सरिता जी, बाकी कोन मेरे छोटे हैं। क्लियर? अभी किसी का कोई डाउट नहीं है ना इस चीज को लेके? अब हम अपना मटेरियल बनाएंगे। कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए आप जिसमें आपको मार्बल पाउडर लेना है। हेलो रेखा जी, चॉक पाउडर यूज कर सकते हैं? हाँ आप राधा मैम चॉक पाउडर यूज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ मार्बल पाउडर इसमें यूज करेंगे, आराम से यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डियर। ठीक है, ये मेरा मार्बल पाउडर ही है। जितना आपको चाहिए एक बार में उतना ही बनाइए, ज्यादा मत बनाइए। ठीक है, और दो कोन एक साथ जरूर बनाएंगे। दो कोन बनाने का रीजन ये है कि एक हमें बारीक रखना है, मींस फॉर फाइन लाइंस, एंड अनदर फॉर थिक लाइन। ओके, तो दो लेवल की लाइंस हमारी जरूर होती है। फेविकॉल एम आर, आई एम ऑलवेज यूजिंग फेविकॉल एम आर, और मैं यही सजेस्ट करती हूँ, तो आप यही यूज कीजिएगा। ठीक है, रिलीफ नहीं डियर, थाई रिलीफ बना रहे हैं हम, थाई रिलीफ। मार्बल पाउडर कहाँ मिलेगा? मार्बल पाउडर हार्डवेयर शॉप पे मिल जाता है। देखिए अगर हम रिलीफ करते हैं ना तो यही प्रोसीजर की उसमें 3 से 4 लेयरिंग होती है। ठीक, 5 लेयरिंग भी हो जाती है, 6 लेयरिंग भी हो जाती है, और हम क्या कर रहे हैं, थाई रिलीफ। इसमें सिंगल लेयरिंग का ही काम होता है। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
now, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 कुछ भी है, सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस लगता है कि मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, बट डरिए नहीं, सब अच्छे से हो जाएगा। हेलो लता जी, हेलो सुधा जी, प्लीज वीडियो भी शेयर कीजिएगा। देखिए मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो का एक शेयर तो मेरे को भी मिलना चाहिए ना। लिपन आर्ट का मेरा पूरा सेशन था मेरे पेज पे, आप प्लीज वो सेशन देखिए, आपको पूरा सेशन मिलेगा लिपन आर्ट का। हाँ आप कर लीजिए वॉल पुट्टी यूज, ठीक है, लिपन आर्ट का पूरा सेशन है, आप मेरा यही पेज स्क्रॉल कीजिए। तो प्लीज बहुत कम शेयर हो रहे हैं, आप प्लीज जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है ना। सिक्सटीन बाय सिक्सटीन, हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल। रिलीफ का हमारा जल्दी ही सेशन आएगा ग्लास के ऊपर, लुकिंग मिरर पे रिलीफ आएगा, बट उसके लिए आप लोगों को वीडियोस शेयर करने पड़ेंगे। हेलो कुंदा जी, थैंक यू डियर वीडियो शेयर करने के लिए, बट फिर भी वीडियोस बहुत कम शेयर हो रहे हैं। अब मैं वैसे तो नहीं कर सकती कि वीडियो शेयर करेंगे देन यू गॉट दिस गिफ्ट और दिस गिफ्ट, बट मैं इतना तो कह सकती हूँ कि हाँ आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं पूरी करूंगी, बट वीडियो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना कर दीजिए। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग भी कराई है और मैं फिर भी दोबारा से भी कराऊंगी, बट कंडीशन सिर्फ एक ही है, यू हैव टू शेयर वीडियोस। आप वीडियोस शेयर कीजिए देन
हम आगे नए नए आर्ट लेकर आएंगे। देखिए ये मैंने आगे से कट किया, अभी देखिए ये बहुत पतला है ना, तो थोड़ा सा मोटा करेंगे, इतना पतला नहीं करना है। शेयर कर दिया, थैंक यू शेयर करने के लिए, थैंक यू। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा है, बिकॉज मैं खुद से शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो आई नीड योर सपोर्ट, आप सबका साथ और आप सबके शेयर्स चाहिए मुझे, मैं खुद से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कल फिर से मेरा पेज थोड़ा सा ब्लॉक काइंड ऑफ हो गया था, इसीलिए मैंने अपने पेज से कुछ भी शेयर नहीं किया, तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। हेलो संचिता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू डियर श्वेता जी, थैंक यू। चलिए अब इस तरह से हमने अपने हाथ को होल्ड करना है और जहां हमारा सर्कल है कोन को कैनवस के साथ टच नहीं करना, हाथ को एकदम बैलेंस करके देखिए, ठीक है। इस तरह से हम इस पे आउटलाइन करेंगे, क्लियर। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं डियर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7060200401 आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आई विल ऐड यू। चलिए इस तरह से एक आउटलाइन हो गई। अब इसको फिल कैसे करना है ध्यान से देखिए, इसकी फिलिंग कुछ भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप बना सकते हो, इवन फिलिंग नहीं करनी, इवन फिलिंग बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, बस फिलिंग करनी है इस तरह से मूव करके कैसा भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे से क्लोज दिखा देती हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दिया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये देखिए, ठीक है, क्लियर। 16x16 है, थैंक यू अर्चना जी बताने के लिए। अब दूसरा, कैनवस से आप अपना कोन टच मत कीजिए बिल्कुल भी, आपकी बहुत अच्छी कोनिंग आएगी, एकदम इवन और एकदम उठी हुई, बिल्कुल भी दबेगी नहीं वो कोनिंग, ठीक है ना। सेम सेम बनाना है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं रखना है, ठीक है ना। व्हाइट कलर करने की जरूरत नहीं है, मैं कैनवस पे काम कर रही हूं।
ये देखिए दो सर्कल हो गए हमारे, हेलो नीता जी, ओके अभी मैंने जूम कर दिया, अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। हेलो हेतल जी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एमडीएफ पे कर लीजिए, बस कैनवस पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरह से अब ये हमारी वेव्स, बस इसी तरह से आप इतना काम कर लीजिए, सिर्फ ये सन तक का, सन के आगे का काम मैं आप लोगों को कल नहीं परसों के सेशन में कराऊंगी। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, जस्ट ये कैनवस ही है। देखिए अब ये वेव्स का मैं आप लोगों को बता रही हूं कि इसकी फीलिंग कैसी होगी। और डस्ट कलर नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स, जो पर्ल मेटेलिक कलर्स आते हैं आप वो ले लीजिएगा, डस्ट कलर्स मत लीजिएगा, ओके। तो प्लीज वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और काम भी जरूर कीजिएगा। हेलो पूनम जी, देखिए ये दो वेव्स मैंने की, अब इनके अंदर की फिलिंग, अभी मैंने जूम किया हुआ है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा इस तरह से, सीधी सीधी लाइंस मत डालिएगा, बस थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग कर दीजिए, और कुछ कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसे फिलिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, क्योंकि जब हम इस पर गोल्डन कलर करेंगे तो ये अनइवन पैटर्न्स ना बहुत सुंदर दिखते हैं। ओके तो इस तरह आप बस ये सन वाला पार्ट खत्म कर लीजिए, बाहर के दोनों सर्कल्स और कोई फिश वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ओके। हेलो संध्या जी, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे ना वीना जी, आप लोगों को सब पता चल जाएगा, मैंने शुरू से सब कुछ बताया है, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उन्हें सब पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसमें ना डॉट्स भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, या ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइंस भी कर सकते हैं, बट कुछ पैटर्न बनाकर ही कीजिएगा, सिंपल फिलिंग मत कीजिएगा, थाई में सिंपल फिलिंग नहीं होती, थोड़े से पैटर्न्स आते हैं। बिल्कुल श्वेता जी, अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे देन फिर मेरा क्लास लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग सब काम करके रखते हैं, अगर आप सब लोग काम करते हैं आई एम वेरी हैप्पी, तो इसलिए जरूर कीजिएगा, ओके। तो देखते हैं, चलिए वर्ली में देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
देखिए अभी जहाँ जहाँ पर मेरा टचिंग आ गई ना ब्लैक की, मैं सबसे पहले वो कर देती हूँ। अभी मुझे लगता नहीं है हमारा ना आज ये कलरिंग हो पाएगी, क्योंकि ये वाले कलर सूखेंगे तभी हम इसके ऊपर दूसरे कलर कर सकते हैं, और मेरे यहाँ पर ठंड काफ़ी है तो कलर सूखने में बहुत टाइम लेता है। एक्रेलिक भी है फिर भी वो जल्दी नहीं सूखता, तो एक सेशन और होगा इसी का, देन फिर नेक्स्ट सेशन में हम वर्ली आर्ट स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड साइज मैंने आप लोगों को बता दिया 16x12। क्ले आप चाहो आप मोल्डेड यूज कर लेना, अदरवाइज क्ले का प्रोसीजर मैंने काफी बार शेयर किया है, हैंडमेड क्ले का हम वो यूज कर सकते हैं। टेक्निक मैं आपको पूरी सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें हम लोग थीम पे काम करते हैं वर्ली में ना, तो या तो हम कोई फेस्टिव थीम लेंगे जैसे कि दुर्गा पूजा या फिर मैरिज या फिर कोई और फंक्शन काइंड ऑफ, या फिर हम उसमें कुछ फैमिली ओकेजन काइंड ऑफ थीम लेंगे, ठीक है ना। ब्लू होगा डियर, पहले ब्लैक थोड़ा सा सूख जाए ना फिर करते हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। हेलो हरमीत जी, थैंक यू मैम वीडियो शेयर करने के लिए। अब यहाँ बाहर की तरफ हम सबसे पहले ब्लू करेंगे, ठीक है, या पहले अंदर की तरफ ना यहाँ पर कलर कर लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा कलर दिखना शुरू हो जाएगा हमारा ना, कलरफुल सा दिखना लगेगा, वरना अभी तो सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है। ऑरेंज कलर लिया है यहाँ पे मैंने, नेक्स्ट सेशन जरूर होगा अभी इसका, क्योंकि मुझे आप लोगों को फिनिशिंग वगैरह भी बतानी है, क्योंकि फर्स्ट उसमें ना फिनिशिंग नहीं आएगी, तो एटलीस्ट दो लेयर कीजिएगा कलर की जरूर, तभी फिनिशिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। तो कोई जल्दी नहीं है, आप लोग आराम से कीजिए, नेक्स्ट सेशन का मैं डिटेल दे दूंगी कब है हमारा नेक्स्ट सेशन। यहाँ पर मैं रेड कलर ले रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी कलर पैलेट पे निकाल लेती हूँ रेड कलर, क्रिम्जन रेड है ये, कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा रेड है, क्रिम्जन रेड है ये, ठीक है, हाँ कोई भी चलेगा, आपके पास जोन सा है आप वो ले लीजिए, मेरे पास क्रिम्जन है मैंने क्रिम्जन ले लिया, कोई भी रेड चलेगा, बट दो लेयर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर में फिनिशिंग नहीं आती और सेकंड लेयर बहुत जरूरी है। फ्लैट ब्रश ले सकते हैं, राउंड ब्रश ले सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो ब्रश ले सकते हैं। बोर्ड 11x11 का होगा तो आप थोड़ा सा डिज़ाइन छोटा बना सकते हो, चल जाएगा वो भी, कोई सा भी साइज ले लीजिए, मैंने 16x16 लिया है, आप कोई भी साइज ले सकते हो, छोटा बड़ा कैसा भी है ना, इससे छोटा ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, जो साइज आपके पास है आप उस साइज में काम कर लीजिए। बस जस्ट आई थॉट कि सन है और सन इज अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स, तो थोड़ा बड़ा साइज पे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप अपनी ड्राइंग रूम वॉल पे लगा सकते हैं, एंट्रेंस वॉल पे लगा सकते हैं, तो सन तो बहुत अच्छा होता है घर में लगाना, दैट्स वाई, ठीक है ना।
आप सब लोग मेरा दूसरा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, कलर योर ड्रीम। वहाँ पर आप अपना वर्क डाल सकते हो आराम से, जो मेरे से सीख रहे हैं या फिर जो आपकी खुद की ओन क्रिएटिविटी है उसको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच वीडियो शेयर करने के लिए। प्लीज़ आप सब लोग एक एक बार कर दीजिए। फिश का जो बेस होगा ना, उसको भी आप ग्रेश कीजिएगा। फिश में मैं आपको रेड, ऑरेंज, ब्लैक ऐसे कलर्स करवाऊंगी, बट जो बेस होगा वो ऑरेंजिश ही रख सॉरी ग्रेश ही रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, अगर आप ले सकते हैं मैम तो ले लीजिए, क्योंकि अच्छा है एक, और बहुत मुश्किल भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात, और कलरफुल है, बन के सुंदर लगेगा। आप अपने घर में लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा।
चलिए अब मैं फिश पे करना बता रही हूँ। फिश का ये वाला पार्ट हम गोल्डन करेंगे, टेल वाला पार्ट। और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग कर दीजिएगा बाद में सब तरफ से। पहले फिश का बेस मैंने ग्रे करके सिल्वर कर दिया था, ठीक है ना, तो इससे ना हमारी शाइन अच्छी आ जाती है। फिनिशिंग कैसे मतलब? वेरी गुड हेमा जी। हेलो जय श्री जी। हाँ जी बिल्कुल ना, ये थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन का टाइम हो जाता है बच्चों के आने का, और वैसे भी मतलब हम जो भी जॉइंट फैमिली में है तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है। एक्चुअली इवनिंग में ना मुझे कहीं जाना है, कहीं मतलब मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि शायद टाइम नहीं हो पाएगा मैनेज, और मैं क्लास ना मिस नहीं करना चाह रही थी। मुझे ये था कि क्लास आज कर लेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर आज की छुट्टी हो जाती और फिर क्लास मिस होती, तो बस इस वजह से आई थॉट कि कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। कोई बात नहीं, और ये ना टाइम सबके लिए होता ही थोड़ा सा ना हेक्टिक है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होते हैं, हस्बैंड को लंच भी देना है, घर पे भी काम होते हैं, किसी की मेड नहीं आई। कुछ ना कुछ रहता ही है इस टाइम पे, क्योंकि बींग अ हाउसवाइफ ना हम सबको ये सब चीज़ें बेयर करनी ही पड़ती हैं। जहाँ हमें बारीक काम करना है वहाँ प्लीज़ आप लोग ना 0 नंबर ब्रश ही यूज़ कीजिएगा, 0 नंबर, 00, 000, कोई सा भी ले लीजिए, बट लीजिएगा थोड़ा स्मॉलर नंबर ब्रश ही, उससे आपका काम आसान होगा। फिश की जितनी भी ये आउटलाइन है ये हम गोल्डन कर देते हैं। फिश की बॉडी का जो बेस है वो सिल्वर, आउटलाइन गोल्डन, रेस्ट ऑफ आप सबकी खुद की चॉइस है, आप उसे कैसे करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आपको अच्छा लगेगा आप उस तरह से फिश का डिजाइनिंग कर सकते हैं। कैसा भी डिजाइन बना दीजिए, कोई फिश में थोड़े से डिजाइनिंग्स होती है ना तो वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। हाँ घर घर की कहानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घर घर की कहानी ही है ये, और हम सबको इसको बेयर करना ही करना है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने काम उस हिसाब से रीशेड्यूल कर लेते हैं। साइडों को अच्छे से ब्लैक कलर से फिनिश कर दीजिए,
किसी के बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल रहता ही है। बट डोंट वरी, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि इस टाइम क्लास ना ले। जूम कर दूं, अभी दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। एक जूम करके बना के दिखा दूं क्या? एक फिश और बना के दिखा देती हूं, थोड़ा सा जूम करके। ठीक है ना? हिमा जी देखिए, अगर आपको रियल थाई आर्ट करना है देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर। बट आपको अगर DIY क्विक काइंड ऑफ करना है तो आप 3D कोन आउटलाइनर्स यूज कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रियल जो होता है थाई आर्ट, उसमें यही प्रोसीजर होता है, और जो DIY होते हैं उसमें तो फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिश और करके बता रही हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग कर सकते हो आराम से। मैं एक और आप लोगों को करके बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर गोल्डन किया मैंने, पहले पूरी फिश को मैंने सिल्वर किया था ताकि इस पे शाइन अच्छी आए, ठीक। और अब उसके ऊपर जहाँ जहाँ मुझे गोल्डन और दूसरे कलर्स ऐड करने हैं वहाँ मैं ऐड कर रही हूँ। कोई फिश बहुत लकी और बहुत ही बहुत पॉजिटिविटी वाली, बहुत एनर्जी वाली मानी जाती है, तो आप लोग जरूर कोई फिश का कुछ ना कुछ बनाइएगा। ऑल आर मतलब ब्यूटीफुल तो है ही, ब्यूटीफुल के साथ साथ ये लकी भी हैं, फुल ऑफ अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, फुल ऑफ फोर्स, जॉय एंड लॉट्स ऑफ करेज, बहुत अच्छी। अब फिश का डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बस एक बार वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। अब कोशिश करूँगी मैं कि कल तो मुझे क्रिसमस से रिलेटेड एक दो प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, और फिर मैं आपसे डिज़ाइन शेयर करती हूँ वर्ली का, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ वर्ली आर्ट। पूरी आउटलाइन आप सिल्वर कर दीजिए, सॉरी गोल्डन। अगर आप में से कोई भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, पेड क्लासेस, तो यू कैन ज्वाइन। जस्ट 500 रुपीज़ फी है, बहुत ही मिनिमम फी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जस्ट इन 500 रुपीज़। और आप मेरा सिखाने का तरीका जानते ही हैं, एंड टाइम इज़ फुली फ्लेक्सिबल, वीडियो इज़ ऑलवेज विद यू, देयर इज़ नो टाइम लिमिट। आप लोग कभी भी देख के काम कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इसे घर की एंट्रेंस में लगाइए, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं करेगी, बिल्कुल आप इसे
अपने घर के एंट्रेंस पे लगाइए. इट्स अ वंडरफुल फॉर एंट्रेंस वॉल डेकोर. आप आराम से इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां आपका मन करे. हाँ, आप कर सकते हैं वर्ली आर्ट कैनवस पे, क्योंकि वर्ली आर्ट हम कोई बहुत हैवी नहीं करने वाले, तो वो आराम से आप कैनवस पे कर सकते हैं. Okay, like this you can make it. ये देखिए, ठीक है, हमारी दो फिश हो गई. दो फिश रह गई, वो मैं कंप्लीट करके अभी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे. और जो व्हाट्सएप पे नहीं है वो प्लीज व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी आराम से दिख सके. कैनवस साइज, थैंक यू सो मच मीनू जी. कैनवस साइज फॉर वर्ली इज 16x12, 12x16 का आप ले लीजिएगा. थैंक यू सो मच अलका जी. 12x16 का कैनवस ले लीजिए आप, एब्सोल्युटली परफेक्ट. ओके, एंड प्लीज एक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. आप किसी पर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप कैनवस पे कर लीजिए, आप चाहे तो आप प्लाय पे कर लीजिए. व्हाट्सएप नंबर नीता जी मेरा 7060200401, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कांटेक्ट मी. ये सब मेरी क्लासेस का ही वर्क है और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. All are live plus recorded. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी टाइम के लिए, आप आराम से काम कर सकते हैं. और सबकी फीस बहुत ही मिनिमम है, बहुत मिनिमम. मैंने अपना नंबर यहाँ पिन कर दिया है, आप प्लीज मुझे इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा. आई विल गाइड यू अबाउट द क्लासेस फी स्ट्रक्चर एंड अदर. ये पेंटिंग भी ऑनलाइन क्लास के लिए अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम फी में है. अगर आप ज्वाइन करना चाहें, क्रिसमस ऑफर है, बहुत ही मिनिमम फी है. जैसे दिवाली ऑफर था और सब चीज़ मैंने बहुत मिनिमम डाल रखा था, ऐसे ही क्रिसमस का ऑफर है. आपको बहुत बेनिफिट रहेगा फी में, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसका कंप्लीट पिक मैं अभी डाल देती हूँ. हाँ, फिश में बस इतना ही कलर करेंगे, क्योंकि सिल्वर फिश बहुत खूबसूरत लग रही है इस बैकग्राउंड पे. अगर हम ज्यादा कलर करेंगे तो फिर फिशेस नहीं दिखेंगी, तो इस तरह से ही रखिएगा. कोई फिश का ऐसा ही डिजाइन होता है. कंप्लीट होने के बाद मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ. ठीक है जी, चलिए. राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. और कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. और अगर कोई मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है. और अभी मेरी कल से एक नई क्लास स्टार्ट हुई है ऑयल पेंटिंग की, जिसमें 5 पेंटिंग्स हैं, सभी ऑयल में हैं और बहुत अच्छी हैं. लोटस का कलर आप पिंक और वाइट कर सकते हो, सिल्वर करके ऊपर से पिंक के शेड्स दे दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा लोटस. चलिए, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर.